हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। हमने जो एसआर कांतो बुक की लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। और इससे पहले वाली जो वीडियो थी हमने उसमें 200 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे एग्रोनॉमी चैप्टर के, और अब इस वीडियो में हम 200 से आगे क्वेश्चन है एग्रोनॉमी चैप्टर के उनको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो 200 का जो क्वेश्चन है उसको हम डबल से देखते हैं। इन टोबैको द बेसिक एम ऑफ टॉपिंग एंड डीसकरिंग इज टू डाइवर्ट एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फ्लावर हेड टू लीव्स। मतलब कि जो एनर्जी होती है और न्यूट्रिएंट होता है उसको फ्लावर हेड से लीव्स की तरफ डाइवर्ट करना टॉपिंग और डीसकरिंग का मुख्य उद्देश्य होता है। देन बात करें हम क्रॉप लॉगिंग इज अ यूज इन, तो क्रॉप लॉगिंग शुगर केन में यूज होती है। देन बात करें तो न्यूट्रॉन स्कैटरिंग मेथड इज नॉट यूजफुल इन द एस्टिमेशन ऑफ मॉइस्चर इन, जो ऑर्गेनिक सॉइल्स होती है वो क्या करती हैं इसकी जो वैल्यू होती है इसको रिफ्लेक्ट करती हैं, तो इसलिए इसको ऑर्गेनिक सॉइल्स में हम यूज़ नहीं करते। दैन बात करें हैवी सेडिंग ऑफ बर्ड्स एंड बॉल्स अगर इन कॉटन ड्यू टू द, देखो अगर वाटर स्ट्रेस है बर्ड फॉर्मेशन के टाइप में, मतलब पानी कम है, तो उसके कारण क्या होगा जो बर्ड्स हैं और जो बॉल्स हैं कॉटन की वो क्या बहुत ज़्यादा गिरेंगी, तो ये लो वाटर स्ट्रेस के कारण जनरली होता है। हम देखें तो इन फरो मेथड ऑफ इरीगेशन ओनली 3/4 ऑफ द फरो इज वेटेड, मतलब कि जो फरो इरीगेशन करते हैं तो ओनली उसमें 3/4 ही फरो क्या होते हैं वेटेड होते हैं भाग उसका। देन बात करें तो इफ द रेट ऑफ एप्लीकेशन पर हेक्टेयर इज अ 3 किलोग्राम एक्टिव इंग्रेडिएंट, द क्वांटिटी ऑफ सीमाजीन बीपी 80% एक्टिव इंग्रेडिएंट रिक्वायर्ड टू बी स्प्रेड इन 0.2 हेक्टेयर एरिया वुड बी, तो इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं आपको देखिए। सबसे पहले देखो उसको बोल रहा है पर हेक्टेयर एक्टिव इंग्रेडिएंट चाहिए 3 किलोग्राम, जब हमारे पास अगर 100 किलोग्राम है तो उसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट कितना होगा 80 किलोग्राम। ठीक है, तो अगर हमारे लिए एक्टिव इंग्रेडिएंट चाहिए 3 किलोग्राम तो एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे हम यहाँ से। ठीक है, तो इससे ये कट गया, देन ये कितना हुआ 30 30 / 8। जो हम करेंगे 15/4 7.5/2 375 या 3.75 आएगी क्या एक्स की वैल्यू, ठीक है, तो जो एक्स की वैल्यू कितनी आई 3.75। एक्टिव इंग्रेडिएंट यूज़ करना पड़ेगा अपने लिए 1 हेक्टेयर में, तो लेकिन अपने लिए कितना कितने हेक्टेयर में यूज़ करना है इसको अपने लिए 0.2 हेक्टेयर में अपने लिए इसको यूज़ करना है, तो इस तरह से अपन उसको क्लासिफाइड कर करके ले आएंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.75। ठीक है, तो यील्ड एडवांटेजेस इन एन इंटरक्रॉपिंग सिस्टम अकर्स ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ, तो जो हम इंटरक्रॉपिंग सिस्टम पढ़ते हैं तो उसमें टेम्पोरल मतलब टाइम का और सेप्शियल मतलब के स्पेस दोनों का कॉम्प्लीमेंटरिटी देखने को मिलती है, तो ये उसका ऑप्शन हो जाएगा सी। देन इसके बाद हम बात करें एट फील्ड कैपेसिटी द वाटर इज हेल्ड इट, तो फील्ड कैपेसिटी पे वाटर पे कितना प्रेशर रहता है 0.033 MPa। देन हम बात करें ए वैल्यू कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय द फ्राइड एंड जो डीन थे उन्होंने ए वैल्यू कॉन्सेप्ट दिया था। देन इसके बाद हम बात करें विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज अ ऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ सल्फर, तो कौन सा ऑर्गेनिक फॉर्म है सल्फर का, तो जो सिस्टीन और मिथियोनिन है इनमें क्या है ये एमिनो एसिड हैं जिनमें जनरली सल्फर कंटेंट पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड नाइट्रस ऑक्साइड गैस फ्रॉम द अमोनिकल फर्टिलाइजर इज नाउन एज, तो जो डीनाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस होती है उसमें क्या बनता है एलिमेंटल नाइट्रोजन बनती है, तो इसकी आंसर हो जाएगा डीनाइट्रिफिकेशन। हम बात करें तो ब्रैसिका जूनसिया हैव बीन एवॉल्व आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन, जब नागाहारू ने ब्रैसिका ट्राइंगल दिया था जो कुछ इस प्रकार बनता है, तो यहाँ पे था ब्रैसिका कंपेस्ट्रिस, यहाँ पे था ब्रैसिका नाइग्रा और यहाँ पे था ब्रैसिका ओलेरिया, तो ये है क्या क्रॉसिंग का सिक्वेंस है। ठीक है, तो जब हम ब्रैसिका कंपेस्टिस तथा ब्रैसिका नाइग्रा के बीच क्रॉस कराते हैं तो ब्रैसिका जूनसिया बनता है। ठीक है, ये हो गया किसके बीच ब्रैसिका कंपेस्टिस तथा ब्रैसिका नाइग्रा का बीच क्रॉस है क्या ब्रैसिका जूनसिया। देन हम बात करें तो डोलोमाइट जिसे हम बोलते हैं MgCO3.CaCO3, तो इसमें दो न्यूट्रिएंट होते हैं जनरली, Mg भी होता है और इसमें कैल्शियम भी प्रोवाइड कराता है ये क्रॉप को। देन हम बात करें
साल्ट इन द जाइलम डक्ट्स ऑफ द रूट्स आर कैरिड अपवर्ड विथ, जो ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम होता है उसके द्वारा साल्ट्स क्या करते हैं जाइलम डक्ट में फ्लो होते हैं अपवर्ड की तरफ। The organic residues with a wider CN ratios as compared to narrow CN ratios are decomposed. देखो एक बात बताई थी, जब क्या होता है नाइट्रोजन कंटेंट ज़्यादा होगा तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की क्या एक्टिविटी ज़्यादा होगी और वो डिकम्पोजिशन को जल्दी करेगा। बट अगर बोल रहा है कि वाइडर CN रेशियो है, मतलब कि जो CN रेशियो है वो अगर ज़्यादा है तो उसका डिकम्पोजिशन क्या होगा, कम होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन का क्या होगा, कम होती है। तो ये इसका हो जाएगा द ऑर्गेनिक रेजिड्यूज विद द वाइडर CN रेशियोज आर एज कम्पेयर टू द नैरो CN रेशियोज एज आर डिकम्पोज्ड एट स्लो रेट। ऑप्शन आंसर आएगा वी, ठीक है। देन हम नेक्स्ट पेज देखते हैं, विच फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन इज अवेलेबल इन द यूरिया। तो यूरिया में नाइट्रोजन का कौन सा फॉर्म अवेलेबल होता है, वो है एमाइड के तौर पे यूरिया में अवेलेबल होता है। देन हम बात करें एट व्हाट पीएच वैल्यू फॉस्फेट अवेलेबिलिटी इज द हाईएस्ट इन द सॉइल। तो क्या होता है, फॉस्फोरस कंटेंट सॉइल में 6.5 से 7 पीएच के बीच में होता है, न्यूट्रल के बीच में। अगर ये एसिडिक में होता है तो क्या ये आयंस के द्वारा बाइंड हो जाता है, और क्षारीय में भी होता है तो ये भी सोडियम और कैल्शियम के साथ बाइंड हो जाता है। तो ये क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा न्यूट्रल पीएच होता है उस पर रहता है, जैसे कि 6.5 के समथिंग। देन अपन बात करें तो बंची टॉप इन शुगर कैन इज अ कॉज्ड बाय, तो जो बंची टॉप होता है शुगर कैन में वो टॉप बोरर के द्वारा, टॉप सूट बोरर के द्वारा देखने को मिलता है, जिसमें क्या अपर पोर्शंस पे लीव्स का बंच बन जाता है, ठीक है, इस तरह का बहुत ज़्यादा बंच लाइक अपीयरेंस दिखता है, तो इसको बोलते हैं टॉप सूट बोरर के द्वारा, जो इसका इंसेक्ट है। देन अपन बात करें बैक्टीरियल डिजीज आर कंट्रोल्ड बाय द यूज ऑफ केमिकल एंटीबायोटिक, डालो बैक्टीरिया डिसीजेस से बच जाओगे आप, ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, एंटीबायोटिक आंसर आ जाएगा। देन हम बात करें तो एप्लीकेशन ऑफ पोटास इंक्रीज, तो पोटास का एप्लीकेशन करेंगे तो हम क्या होगा, डिसीज रेजिस्टेंस बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, डिसीज रेजिस्टेंस, ये आंसर आएगा इसका। देन हम बात करें तो डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ सरफेस सॉइल वाटर इज नाउन एज, तो अगर जो डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, परकुलेशन बोलेंगे। देखो तीन चीज़ें मैंने जब नेमरा सुंडा बुक पढ़ा रहा था तब आपको समझाई थी कि इन्फिल्ट्रेशन क्या होता है, ये सॉइल सरफेस है, इसमें जब फर्स्ट एंट्री होती है वाटर की तो उसे बोलते हैं इन्फिल्ट्रेशन। अब ये एंट्री हो गई तो इसको बोल दिया इन्फिल्ट्रेशन। देन अब इसके जो नीचे के जो हॉरिजन्स हैं सॉइल के अंदर, ये डिफरेंट हॉरिजन्स हैं, इनमें अगर वाटर नीचे की ओर मूवमेंट कर रहा है तो इसको बोलेंगे क्या, परकुलेशन, ठीक है। अब अगर देखो ये वाटर नीचे की तरफ मूवमेंट कर रहा है लेकिन इसके साथ ये क्या है, न्यूट्रिएंट है, अगर ये न्यूट्रिएंट भी इस वाटर के साथ अगर नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं लीचिंग, ठीक है। तो ये तीनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना कभी। तो ये क्या है, डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ सरफेस सॉइल वाटर इज नाउन एज अ परकुलेशन, ठीक है। देन अपन बात करें द हर्बिसाइड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन इन देयर मॉलिक्यूल्स आर, अगर देखो कोई हर्बिसाइड है जिसमें कार्बन मॉलिक्यूल्स भी हैं और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स भी हैं तो उनको हम जनरली बोलते हैं ऑर्गेनिक हर्बिसाइड। देन हम बात करें तो एले क्रॉपिंग मीन्स क्या होता है, एले क्रॉपिंग मीन्स का होता है ग्रोइंग ऑफ फील्ड क्रॉप्स इन बिटवीन टू वाइडली स्पेस्ड रोज ऑफ फास्ट ग्रोइंग ट्रीज, ठीक है। देन हम बात करें रिले क्रॉपिंग में क्या होता है, रिले क्रॉपिंग में हम क्या करते हैं, एक साल में 4 फसलें लेते हैं और वो भी इस तरह से लेते हैं कि एक फसल की कटाई होने से पहले ही हम दूसरी फसल की सोई कर देते हैं। ये जनरली राइस की फसल में हम इसमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि अपना यूथेरा क्रॉपिंग हो गया और पैरा क्रॉपिंग रिले क्रॉपिंग के ही प्रकार हैं। जैसे यूथेरा क्रॉपिंग अपन यूपी और एमपी में यूज़ करते हैं और पैरा क्रॉपिंग जनरली बिहार और वेस्ट बंगाल के जो क्षेत्र हैं उनमें जनरली ये देखने को मिलता है, रिले क्रॉपिंग का ही सिस्टम है। देन हम बात करें तो हाउ मच सीड ऑफ लेग्यूम क्रॉप शुड बी ट्रीटेड विद 1 पैकेट ऑफ राइजोबियम कल्चर, तो जो राइजोबियम कल्चर होता है उसके पैकेट से हम कितने सीड्स को जनरली ट्रीट करते हैं, तो राइजोबियम के पैकेट से हम 10 किलोग्राम सीड को ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, सबसे पहले दिया है क्रॉप और उसका दिया है सीड रेट, तो वीट में कितना सीड रेट होता है, 100 किलोग्राम होता है, ठीक है, तो ये भी सही है। देन हम बात करें तो उड़द, उड़द में भी करीब 20 किलोग्राम के समथिंग होता है, ठीक है। मेज में हम बात करें तो कंपोजिट वैराइटीज़ होती हैं उनका 18 से 20 होता है, तो ये भी ठीक है, मान लेते हैं सही है। देन हम बात करें तो मस्टर्ड, मस्टर्ड का इन्होंने गलत दे रखा है 10 किलोग्राम। देन हम बात करें द हस्कलेस वैरायटी ऑफ बार्ले, तो जो वैरायटी है
वार्ले की वो क्या है, हस्कलेस। तो है डॉलमा वेराइटी है वार्ले की हस्कलेस वेराइटी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, ठीक है कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। तो सबसे पहले बात करें तो मस्टर्ड बसंती, ग्राउंडनट की चंद्रा, लेंटिल की मलिका, और ये अरहर की जो नीलम वेराइटी दी है ये गलत है। देन हम बात करें तो द क्राउन रूट्स इन वीट अपीयर्स, जो वीट में क्राउन रूट होती हैं 25 दिन तक जो आ जाती हैं, ठीक है क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज हम जिसको बोलते हैं, तो जो क्राउन रूट होती हैं वो क्या होती हैं, ये सॉइल सरफेस है और ये सीड है, तो ये सीड के ऊपर रहेंगी ठीक है, बट जो सॉइल सरफेस है उसके नीचे ये रहती हैं, तो इनको बोलते हैं हम क्राउन रूट। क्राउन रूट्स इन वीट अपीयर बिलो सॉइल सरफेस बट अबव सीड। देन हम बात करें इस शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप इन बिटवीन टू मेन सीजनल क्रॉप्स इज अ टर्म्ड एज, देखो दो मेन सीजनल क्रॉप हैं उनके बीच में अगर अपन को जल्दी से अगर शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप ले रहे हैं तो उसको बोलते हैं हम कैच क्रॉप। देन हम बात करें अवरोधी, 230वां जो क्वेश्चन है, अवरोधी क्या है, चने की एक वेराइटी है जो क्या है विल्ट के प्रति रेजिस्टेंस शो करती है। अब हम बात करें तो इन विच क्रॉप द यूज़ ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी एज अ बायो फर्टिलाइजर विल बी मोस्ट यूजफुल। तो ब्लू ग्रीन एल्गी जब अपन एजोला वगैरह का यूज़ करते हैं जनरली राइस की फील्ड में करते हैं क्योंकि उसमें पानी भरा होता है ठीक है, तो ईजिली उसको अपन यूज़ कर सकते हैं। देन अपन बात करें विच वेजिटेबल ऑयल इज़ अ गुड फॉर हार्ट पेशेंट्स, तो हम जनरली देखते हैं जो डिफरेंट एड वगैरह आते रहते हैं उनमें भी जो सनफ्लावर ऑयल रहता है उसमें क्या होता है पॉली अनसेचुरेटेड प्यूफा कंटेंट ज़्यादा होता है, इसलिए वो हार्ट के पेशेंट्स को क्या है अच्छा माना जाता है। देन हम बात करें तो नाइट्रोजन इज़ अप्लाइड इनटू द ट्रांसप्लांटेड राइस इन द प्रोपोर्शंस ऑफ, जब हम नाइट्रोजन को अप्लाइड करते हैं तो वो क्या करते हैं स्प्लिट्स में जनरली करते हैं ठीक है, बारी बारी से देते हैं, तो हम जितना हमको नाइट्रोजन देना है उसका 50% नाइट्रोजन दे देते हैं हम बेसल स्टेज पे ठीक है, देन हम 25% देते हैं टिलरिंग अवस्था में और उसका 25% जो बाकी बच जाता है उसको हम देते हैं पेनिकल इमरजेंस अवस्था में। तो इससे क्या होता है कि जो नाइट्रोजन लॉसेस क्या होते हैं बहुत ज़्यादा मोबाइल होते हैं ठीक है नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र नाइट्रोजन सॉइल में, तो वो क्या करता है कि उसके लीचिंग लॉसेस के बचने के कारण हम क्या करते हैं उसको टाइम टू टाइम देते रहते हैं जिस अवस्था में उसको ज़रूरत हो रही होती है ठीक है। देन हम बात करें तो ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन ऑफ सोरगम पर हेक्टेयर कितनी होती है, सोरगम की करीब 150,000 के समथिंग इसकी ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन होती है। देन हम बात करें तो एप्लीकेशन ऑफ जिप्सम इज़ अ रिक्वायर्ड मोर फॉर, तो कौन सी क्रॉप है जिसमें जिप्सम की एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, तो वो है ग्राउंडनट। ग्राउंडनट में क्या होता है जो उसका सेल होता है उसको बनाने के लिए क्या चाहिए कैल्शियम की मात्रा चाहिए जो कि उसको जिप्सम प्रोवाइड कराता है। देन अपन बात करें तो मैक्सिमम यील्ड ऑफ मस्टर्ड इज़ ऑब्टेंड एट द प्लांट जियोमेट्री ऑफ, अगर अपन मस्टर्ड की अपने लिए अधिकतम उत्पादन चाहिए तो हम क्या प्लांट जियोमेट्री रखें, 45x20 cm की जियोमेट्री रखना चाहिए हमारे लिए, तो उससे हमारे लिए ज़्यादा वो मिलेगी। ध्यान अपन बात करें तो गेनिंग परसेंटेज की बात करते हैं ठीक है, अपन कॉटन कितना प्राप्त हो रहा है रेशा, तो उसके लिए अपन बात करते हैं तो वेट ऑफ लिंट ठीक है जो लिंट की वेट है उसको हम डिवाइड कर देंगे वेट ऑफ सीड कॉटन ठीक है, और उससे 100 × कर देंगे तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा गेनिंग परसेंटेज का फॉर्मूला। तो इसमें आप कन्फ्यूज़ ना हो कि सीड कॉटन लेना है नीचे अपने लिए कॉटन सीड लेना, तो नीचे आता है सीड कॉटन। देन हम बात करें तो इंटरकल्चर इन ग्राउंडनट इज़ अवॉइडेड एट द, तो जब देखो पैकिंग अवस्था होती है तो वो क्या बनते हैं पैक्स बन रहे होते हैं ठीक है, तो उस अवस्था में क्या होते हैं कि सॉइल के अंदर अगर हम इंटरकल्चर एक्टिवेशन करेंगे तो सॉइल क्या होगी डिस्टर्ब होती है जिसके कारण क्या होता है जो पैक्स बनने बन रहे होते हैं वो क्या हो जाते हैं नष्ट हो जाते हैं जिसके कारण हमारी यील्ड रिड्यूस हो जाती है। तो पैकिंग अवस्था में हमको जो मूंगफली होती है उसमें इंटरकल्चर ऑपरेशन नहीं करने चाहिए। देन अपन बात करें तो UP AS1 ये किसकी वैरायटी है, पिजन पी की मैंने पहले ही बता चुका हूँ आपको। इरिगेशन इन अ ग्राम आर रिकमेंडेड रेट, तो हम ग्राम में कब इरिगेशन करना चाहिए, देखो एक बात कंसेप्ट हमेशा याद रखना हम जनरली जो क्रॉप्स में कभी भी फ्लावरिंग स्टेज में इरिगेशन नहीं करते क्योंकि फ्लावरिंग अवस्था में अगर हम इरिगेशन करेंगे तो उससे क्या होगा कि जो फ्लावर क्या होंगे गिरने लगते हैं ठीक है, तो जो फ्लावर गिरेंगे तो क्या होगा अपना उत्पादन कम होगा क्योंकि सीड कम बनते हैं। तो देन हम
अधिकांशतः ये रिकमेंड करते हैं कि बिफोर फ्लावरिंग और पॉट फॉर्मेशन स्टेज में हमको इरिगेशन देना चाहिए जनरली। ठीक है, देन हम बात करें द क्रॉप ग्रोन इन यूपी ड्यूरिंग ऑल द थ्री सीजन्स इज, तो जो उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है उसमें तीनों सीजन में कौन सी क्रॉप को बोया जाता है, वो है अपनी मेज। तीनों सीजन में अपन उसको ग्रो कर सकते हैं। देन हम बात करें तो द क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी ऑफ मेज वीट प्लस ग्राम मूंग, तो इसकी क्या है क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी कितनी होगी? इसकी क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी 200%, 250%, 300% या 400% में से क्या आना चाहिए? तो इसकी आएगी 300%। ठीक है, देन हम बात करें एग्जांपल ऑफ कंपेनियन क्रॉपिंग इज, तो जो कंपेनियन क्रॉपिंग का जो होता है उसका एग्जांपल कौन कौन सा है? जब हम शुगर केन के साथ पोटैटो बोलते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कंपेनियन क्रॉपिंग। ठीक है, देन इसके बाद हम बात करें तो इंटर क्रॉपिंग ऑफ मस्टर्ड विद पोटैटो इज़ अ रिकमेंडेड इन रिप्लेसमेंट सीरीज में, इसको जनरली हम करते हैं। ठीक है, देन इसके बाद हम बात करें बिच क्ले मिनरल इज़ अ रिच इन पोटास, तो जो इलाइट होता है, इलाइट क्ले मिनरल होता है, उसमें क्या होता है पोटास की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है। देन हम बात करें डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन सबमर्ज्ड सॉइल इज कैरिड आउट बाय, तो सबमर्ज्ड सॉइल में जो डिकम्पोजिशन होता है वो जनरली बैक्टीरिया द्वारा किया जाता है। देन इसके बाद हम पढ़ें कि एरोइंग इज नाउन एज, तो जब हम शुगर केन की बात करते हैं तो शुगर केन का जो इन्फ्लोरेसेंस होता है उसी को हम बोलते हैं एरोइंग। ठीक है, एरो बोलते हैं, और इसके इमरजेंस की जो प्रोसेस उसी बोलती है उसको बोलते हैं एरोइंग। ठीक है, देन बात करें तो प्लांट फूड मैन्युफैक्चर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ ए न्यूट्रिएंट इन ए क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल में कौन सा न्यूट्रिएंट पाया जाता है? वो है मैग्नीशियम। ठीक है, तो चूँकि फोटोसिंथेसिस में सहायता करता है। द कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस्ड इन द लीव्स कैन नॉट बी ट्रांसलोकेटेड टू डिफरेंट ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ प्लांट इन द एब्सेंस ऑफ, जो बोरोन कंटेंट होता है वो क्या होता है कार्बोहाइड्रेट के ट्रांसलोकेशन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। देन हम बात करें द रिसेंटली डेवलप्ड टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी हैज़ बीन यूज्ड इन, तो जो टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी है मतलब कि जिसमें क्या बनेंगे, एक साल तो आप हर साल आपको क्या होंगे नए नए सीट खरीदने पड़ेंगे कंपनी से, तो इसलिए टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी पर प्रतिबंध लगा हुआ है। बट इसको यूज किया गया किसमें? कॉटन के ऊपर यूज किया गया था। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोजिट्स एंड सिंथेटिक कल्टीवर्स आर यूज, तो कौन सी क्रॉप है जिसमें कंपोजिट और सिंथेटिक वेराइटीज़ जनरली यूज होती हैं? तो हम मेज जब पढ़ते हैं तो मेज में क्या कंपोजिट और सिंथेटिक वेराइटीज़ के बारे में आपको बता रखा है मैंने, जो ब्रीडिंग की जो सीरीज अपलोड की है उसमें। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डज नॉट शो फोटो रेस्पिरेशन, देखो जो फोटो रेस्पिरेशन होता है वो जनरली C3 प्लांट में शो होता है। अब आप इसमें से देख लें कि C4 प्लांट कौन सा ऑप्शन में, तो देखो PVC3 है, VVC3 है और RVC3 प्लांट है, बचा कौन सा मेज है C4 प्लांट, तो इसमें क्या होगा फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता। देन हम बात करें तो एंटी सेंस्ड पॉली हार्मोन इज रिप्रेजेंटेड बाय, तो ये है जिब्रेलिन। देन हम बात करें ड्यूरिंग जर्मिनेशन रेडिकल एंड प्लूमला डेवलप्ड फ्रॉम, तो जो रेडिकल और प्लूमला होते हैं वो जनरली एम्ब्रियो से बनते हैं, भ्रूण से, जो ऊपर की तरफ बनता है उसे बोलते हैं प्लूमला। ठीक है, और जो नीचे की तरफ बनता है उसको बोलते हैं रेडिकल, जिससे जड़ें विकसित होती है। अब हम बात करें तो जो जगन्नाथ है, जगन्नाथ किसकी म्यूटेंट वैरायटी है? ये है राइस की। देन हम बात करें जया इंटर वैरायटियल वैरायटी है T1N2 T141 के बीच में। देन हम बात करें तो पूसा जय के साथ, ये क्या है सोमा क्लोनल वेरिएशन के द्वारा होती है। देन इसका अरुणा, ये गलत होगा जहाँ तक इंटर स्पेसिफिक क्रॉस, ये अरुणा कैस्टर की वैरायटी है जो भी म्यूटेंट वैरायटी है। ठीक है, देन हम बात करें तो अरुणा इज़ अ म्यूटेंट वैरायटी ऑफ, ये है कैस्टर की। देन हम बात करें बिस्ट सॉइल इज़ द हाईएस्ट कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, जो क्ले लॉम होती है उसमें क्या होती है हाईएस्ट कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी वो रिप्रेजेंट करती है। देन हम इसके बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड, तो जो कॉटन है उसमें दिया दिग्विजय। ठीक है, देन अपन बात करें सोयाबीन में ब्रैग, ठीक है ब्रैग भी वैरायटी इसकी। देन ग्राउंडनट की AK1224, ये भी सही है। प्रभात सोयाबीन, ये गलत दिया है। देन हम बात करें विच कटाइन हैज़ अ हायर एग्रीगेशन कैपेसिटी इन सॉइल, तो जो एल्यूमिनियम 3+ है, 3+ मतलब कि ये तीन क्या होंगी पार्टिकल्स को एग्रीगेट कर सकता है, तो इसकी सबसे ज़्यादा कैपेसिटी होगी एग्रीगेशन की, ठीक है सॉइल में। देन हम बात करें विच कटाइन हैज़ अ लो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑन क्ले, तो जो क्या होगा सोडियम की क्या होती है जनरली कम एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होती है क्ले के ऊपर। देन हम बात करें ब्लैक कॉटन सॉइल इज अ रिच इन, तो जो ब्लैक कॉटन सॉइल्स होती हैं उनमें मॉन्ट मेरालोनाइट की अधिकांश मात्रा पाई जाती है। ठीक है, क्ले मिनरल है ये।
विच फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन इज ऑब्जर्व बाय द पैडी अंडर वाटर लॉक्ड कंडीशंस, मतलब कि जैसे फील्ड है आपकी पैडी की, वो उसमें क्या होती है, पडलिंग हो रही रहती है और जो उसमें पानी हमेशा भरा रहता है, तो अगर वाटर लॉक्ड कंडीशन है तो उसमें पैडी सामान्यतः क्या होगी, किस अवस्था में नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करेगी। देखो पैड अगर पानी भरा है तो कंडीशन कैसी क्रिएट हो रही है, एनॉक्सी एनएरोबिक कंडीशंस, तो उस फील्ड में जनरली क्या होगा, अमोनिया के रूप में पैडी नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करती है। देन अपन बात करें फास्फेट कंटेनिंग मिनरल इज एपिटाइट है फास्फेट कंटेनिंग मिनरल, देन हम बात करें तो पीडीएम के अलावा किसकी वैरायटी है, मूंगबीन की वैरायटी है। देन बात करें रेनफॉल इंटेंसिटी इज जनरली हायर ऑन, तो जो इक्वेटर वाला पार्ट होता है ना, ठीक है, उस पर क्या होता है, रेनफॉल इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। सॉइल ऑफ विच सॉइल ऑर्डर हैज़ अ नो डायग्नोस्टिक होरिजन, जो एंटी सॉइल्स वाली जो ग्रुप है अपना उसमें कोई भी डायग्नोस्टिक होरिजन नहीं देखने को मिलता। देन इसके बाद हम देखें तो सीड वर्क बोर्ड इज रिक्वायर्ड फॉर, जब हम सीड की क्या कर रहे हैं, ब्लेंडिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे हमारे लिए सीड वर्क बोर्ड की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि ब्लेंडिंग प्रोसेस में हमको उसको डिवाइड करना रहता है, ठीक है, और मिक्स करना रहता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेस फॉस्फेट सॉल्युबिलिटी, तो जो स्यूडोमोनास है वो क्या करता है, फॉस्फेट सॉल्युबिलिटी को क्या करता है, इंप्रूव करता है। देन हम इसके बाद करें तो सब्सटेंस रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेड मेकिंग क्वालिटी ऑफ व्हीट, जब हम ब्रेड या चपाती बना रहे होते हैं, रोटी बना रहे होते हैं, तो उसमें गेहूं की कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो बहुत ज़्यादा अपने लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब हम बात करते हैं तो ग्लूटेन जो एक प्रोटीन है उसके बारे में बात करते हैं, तो वो क्या इसके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है, क्योंकि वही रोटी को फूलने के लिए ज़रूरी होती है, ठीक है। द स्लो ग्रोइंग स्पीसीज ऑफ लेग्यूम रूट नोड्यूल्स बैक्टीरिया आर इंक्लूडेड इन द बैक्टीरियल जीनस, जो ब्रेडी राइजोबियम है वो क्या है, स्लो ग्रोइंग लेग्यूम की स्पीसीज जो रूट नोड्यूल बैक्टीरिया है, ठीक है। देन अपन बात करें एजो राइजोबियम, तो ये क्या है, स्टेम राइजोबियम है। देन इसके बाद करें तो टेक्स्चर ऑफ सॉइल कैन बी चेंज हुआ, तो जब अपन बात करते हैं तो सॉइल टेक्स्चर को अपन चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। देन इसके बाद अपन बात करें विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज पुंजेनेसी ऑफ मस्टर्ड ऑयल, तो मस्टर्ड ऑयल में पुंजेनेसी का कारण क्या होता है, तो वो है ग्लूकोसिनोलेट्स। देन इसके बाद करें तो सॉइल द सॉइल कैरेड इन द साल्टेशन कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल साइज, देखो जब विंड इरोजन होता है तो उसकी तीन प्रोसेस होती हैं, एक होती है साल्टेशन, एक होती है सस्पेंशन और दूसरी होती है सरफेस क्रीपिंग। तो जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, सरफेस पे क्रीप करते हैं, और जो बहुत छोटे पार्टिकल होते हैं वो क्या करते हैं, सस्पेंशन में एयर में चले जाते हैं, तो वो कई टाइम तक वो एयर में भटकते रहते हैं। और क्या होता है साल्टेशन में क्या होता है, वो थोड़े उठते हैं और फिर गिरते रहते हैं, ठीक है। तो जो इनके लिए अलग अलग आकार के तरह से क्लासिफाइड किया गया है, जो 0.1 से लेकर 0.5 mm के जो पार्टिकल्स होते हैं वो जनरली साल्टेशन द्वारा क्या करते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, ठीक है। देन हम बात करें एक्सेस अपटेक ऑफ विच एलिमेंट इज नाउन एज अ लग्जरी कंजप्शन, तो जो पोटेशियम आयन है उसका क्या होता है, एक्सेस कंजप्शन होता है, जिसको हम बोलते हैं लग्जरी कंजप्शन। देन हम बात करें द फॉर्मूला LER माइनस 1 डिवाइड बाई LER इंटू वैल्यू ऑफ कंबाइंड इंटरक्रॉप रिप्रेजेंट, मतलब कि LER में से एक घटा दिया जिसको LER से फिर डिवाइड कर दिया और इसको इंटू कर दिया कंबाइंड इंटरक्रॉप के साथ, तो इसकी वैल्यू ये MAI की वैल्यू आती है, ठीक है। देन अपन बात करें तो जो LISA इज़ रिलेटेड टू लो एनर्जी इम्पोर्ट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, तो ये किससे संबंधित है, अपना ऑर्गेनिक फार्मिंग से संबंधित है। देन अपन बात करें अंडर ड्रॉट द सोरगम प्लांट सिंथेसाइज धुरिन इन, तो जो सोरगम प्लांट रहता है उसमें ड्रॉट के समय में क्या जो धुरिन बनता है ड्यूरिन, वो कहाँ पे बनता है, तो वो बनता है जनरली रूट्स में, कहाँ बनता है वो, रूट्स पे बनता है, ठीक है। देन हम बात करें विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेराइटीज ऑफ बार्ले इज अ नेमेटोड रेजिस्टेंस, तो जो राजकिरण जो वेराइटी है वो क्या है, नेमेटोड रेजिस्टेंस है। इसके बाद बात करें तो ऑल द ग्रेन लेग्यूम्स हैव अ हाई फोटो रेस्पिरेशन बिकॉज ऑफ, देखो जो C3 प्लांट्स होते हैं उनमें जनरली क्या होता है, फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, जिनमें तीन फोटो रेस्पिरेशन में क्या होता है, जब ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है तो जो दो PGA बनते हैं अपने फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, उनकी जगह एक फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है और एक क्या बनता है, ग्लाइकोलेट बन जाता है, ठीक है। और इसमें तीन ऑर्गेनल्स काम करते हैं, तो क्लोरोप्लास्ट होगा, दूसरा पेरोक्सिस्टम और तीसरा माइटोकॉन्ड्रिया होगा। तो ये एक बेस्ट प्रक्रिया है जो कि किस्में होती है, C3 प्लांट में होती है। इसी के कारण क्या होता है कि जो C3 जो प्लांट होते हैं उनमें क्या होता है, ईल्ड कम होती है। इसके बाद हम बात करें तो पोलन वायबिलिटी ऑफ वीट इज अ रिलेटेड टू सप्लाई ऑफ, तो पोलन वायबिलिटी किससे संबंधित होती है, ये बोरॉन से संबंधित है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रीन हाउस गैस, तो जो मैथेन उसे ग्रीन हाउस गैस ही बोलते हैं हम। खैराडिसिस किसके कारण होता है, जिंक डिफिशियंसी के कारण होता है।
देन इसके बाद बात करें तो तराई सॉइल्स होती हैं जो जनरली उत्तर प्रदेश के जो क्षेत्रों में ये देखने को मिलती हैं, तो इनमें किस न्यूट्रिएंट की कमी देखने को मिलती है, तो ये जिंक की कमी देखने को मिलती है। ऑर्गेनिक कार्बन इज़ अ मेज़र ऑफ, तो जो ऑर्गेनिक कार्बन है वो किसका मेज़र है, तो है अवेलेबल नाइट्रोजन इन सॉइल। ठीक है, तो मृदा में कितनी नाइट्रोजन अवेलेबल है इसको भी रिप्रेजेंट करता है। देन हम बात करें तो इमोबिलाइजेशन ऑफ सल्फर टेक प्लेस व्हेन द सल्फर कंटेंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज लेस देन, अगर 0.15% से कम अगर सल्फर कंटेंट हो गया तो उसका क्या हुआ, इमोबिलाइजेशन होने लगेगा। ठीक है, देन हम बात करें द प्रिंसिपल वे इन विच इज द फॉस्फोरस एंड पोटेशियम आयन मूव फ्रॉम द सॉइल टू द रूट ऑफ द फील्ड क्रॉप इज, तो कौन से किसके द्वारा होता है इनका, तो ये है डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा फॉस्फोरस तथा पोटेशियम आयन क्या करते हैं, सॉइल से रूट की तरफ मूव करते हैं। देन हम बात करें हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी ऑफ सॉइल वेरीज डायरेक्टली विद द टोटल पोरोसिटी, जितनी सॉइल की वेरी करती है उसी के हिसाब से ये हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी वेरी करती है। देन इसके बाद बात करें सॉइल स्ट्रक्चर इज इम्प्रूव्ड बाय एप्लीकेशन ऑफ, तो आप सुपर फॉस्फेट डाल दो सॉइल स्ट्रक्चर इम्प्रूव्ड हो जाएगा। तो इसके बाद हम देखते हैं सॉइल स्ट्रक्चर कंसर्न विद, देखो अरेंजमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल क्या होता है, सॉइल स्ट्रक्चर होता है। तथा हम बात करें तो अगर पर्टिकुलर उनके अगर अपन प्रोपोर्शंस में देखें तो वो क्या होता है, सॉइल टेक्सचर होता है। परसेंट कंटेंट ऑफ सल्फर इज सिंगल सुपरफास्फेट, तो मतलब SSP में कितना परसेंट सल्फर होता है, SSP में कितने 12% सल्फर होता है, जबकि 16% इसमें क्या देखने को मिलता है फॉस्फोरस, और कुछ मात्रा में इसमें कैल्शियम भी पाई जाती है, तो इसमें 3 न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं। देन हम बात करें तो हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी ऑफ सॉइल इज़ वेरी लो इन केस ऑफ, तो हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी इसमें कम होती है, तो यह है अपनी जो एल्केली जो सॉइल्स होती हैं उनमें हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम होती है। इन ए गुड क्वालिटी मैन्योर CN रेशियो शुड नॉट बी मोर देन, तो जो गुड क्वालिटी का जो मैन्योर होता है उसमें CN रेशियो जनरली 10 से ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन कंटेंट ज़्यादा होता है तो उसके क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ईजिली डिग्रेड कर सकें। ठीक है, देन हम बात करें कि जो 15 सेंटीमीटर सॉइल का 1 हेक्टेयर में कितना वेट होता है, ठीक है, तो होता है 2.24 × 10^6 किलोग्राम, इतना वेट होता है 15 सेंटीमीटर, वेट ऑफ सरफेस 15 सेंटीमीटर सॉइल ऑफ द 1 हेक्टेयर फील्ड है 2.24 × 10^6 किलोग्राम। देन हम बात करें तो कंसंट्रेशन ऑफ विच एलिमेंट इज हाईएस्ट इन द सॉइल, तो देखो सॉइल में जब हम कंसंट्रेशन पढ़ते हैं तो सबसे पहला आता है O, फिर इसके बाद SiO, CFA, कनक महका, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, तो इस तरह से ये सिक्वेंस चलते जाते हैं। इफ़ द ग्रेविमेट्रिक मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सॉइल इज़ अ 15% एंड द बल्क डेंसिटी इज 1.4 ग्राम पर cc, द वॉल्यूमेट्रिक मॉइस्चर कंटेंट इज, तो इसको आपको फॉर्मूला से निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो आप ग्रेविमेट्रिक मॉइस्चर को जब एग्रोनॉमी डिस्कस करूँगा तो वहाँ पे इसका फॉर्मूला डिस्कस करेंगे, तो इसका आंसर लेकिन 21% है। देन हम बात करें 296 क्वेश्चन की, विच इज़ अ नॉट करेक्ट मैच इन द फॉलोइंग, ठीक है, तो जो फ्लॉक्यूलेशन है उसमें क्या होते हैं, सेटिंग ऑफ द सॉइल पार्टिकल, देन अपन बात करें डिस्पर्सन में क्या होता है, रिप्लेंस ऑफ द सॉइल पार्टिकल, कोहेंसन में क्या होता है, अट्रैक्शन ऑफ द सॉइल पार्टिकल, और अपन बात करें तो स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर अपन ने जब पढ़ा था तो अरेंजमेंट होता है सॉइल पार्टिकल का, ना कि रिलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल पार्टिकल, तो रिलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, इसको हम बोलते हैं टेक्सचर बोलते हैं सॉइल पार्टिकल का। देन बात करें तो टिल्थ इज़ अ रिलेटेड टू शेप ऑफ द सॉइल एग्रीगेट, साइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सॉइल एग्रीगेट, अरेंजमेंट ऑफ द सॉइल एग्रीगेट, ये सभी संबंधित है। देन इसके बाद हम देखें तो सोयाबीन सीड कंटेंट, सोयाबीन के सीड में 20% ऑयल होता है और करीब 40% प्रोटीन होती है। देन हम बात करें विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, तो अमोनियम क्लोराइड में कितना जो एसिड इक्विवेलेंट होता है इसका 128 होता है, यूरिया का गलत दिया इन लोगों ने, यूरिया का 60 नहीं होता, 80 की कुछ समथिंग होता है, ठीक है, 80 या 86 कुछ। देन हम बात करें ASN का कितना 93 होता है और अमोनियम सल्फेट का 110 होता है। देन हम इसके बाद बात करते हैं सल्फर ऑयल इज़ अ रेटेड एज अ गुड क्वालिटी ऑयल बिकॉज इट कंटेंट, जो सनफ्लावर का ऑयल होता है उसको हम प्यूफा कंटेंट उसमें ज़्यादा होता है, इस कारण वो क्या होता है हार्ट पेशेंट्स के लिए काफ़ी अच्छा होता है। प्यूफा कंटेंट क्या होता है, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की मात्रा इसमें ज़्यादा होती है।
301 वा क्वेश्चन है, विच क्रॉप ऑफ द फॉलोइंग हैज द डबल सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। तो जो हमारी सैंसवेनिया रोस्ट्राटा है उसमें क्या होता है, स्टेम न्यूडुलेशन भी पाया जाता है, इस कारण उसको क्या बोलते हैं, डबल सिम्बायोटिक रिलेशनशिप दर्शाता है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के साथ। इसके बाद है 302 वा क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप हैज द हाईएस्ट कंजप्शन ऑफ पेस्टिसाइड। तो मतलब कौन से क्रॉप में सबसे ज़्यादा पेस्टिसाइड कंजप्शन होता है, तो वो है कॉटन। देन हम बात करें तो कैनोला, कैनोला इज अ ग्रुप ऑफ प्लांट्स बिलोंग टू द जो मस्टर्ड ग्रुप है उससे कैनोला बिलोंग करता है, तो ये आंसर हो जाएगा 303 का। देन हम बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टीपीएस वेराइटी ऑफ पोटैटो, जो ट्रू पोटैटो सीड की जो वेराइटी है वो कौन सी है, HPS 1 और HPS 113, ये क्या है, ट्रू पोटैटो सीड की वेराइटीज़ हैं। देन हम बात करें तो फॉर कैलकुलेटिंग वैल्यू ऑफ पी, P2O5 इज ए मल्टीप्लाइड बाय जो P2O5 है उससे हम 0.437 से इंटू कर देंगे, तो अपने लिए क्या मिल जाएगा, फास्फोरस की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है, कितना फास्फोरस है उसमें प्रेजेंट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप कॉजेज मैक्सिमम रिडक्शन इन सॉइल एल्केलिनिटी, तो सॉइल एल्केलिनिटी है उसको सबसे ज़्यादा कौन रिड्यूस करेगा, तो इसका ऑप्शन है पैडी, दूसरा ऑप्शन है मेज, तीसरा ऑप्शन है इसका काउपी और चौथा ऑप्शन है इसका वीट। तो इसका आंसर क्या होगा, पैडी सबसे ज़्यादा क्या करती है, सॉइल एल्केलिनिटी को रिडक्शन करती है। देन हम बात करें तो परमानेंट सॉइल प्रॉपर्टी क्या है, तो परमानेंट सॉइल प्रॉपर्टी है उसका सॉइल का टेक्सचर, क्योंकि चेंज नहीं होता। देन हम बात करें द रेशियो बिटवीन द ग्रॉस एंड नेट क्रॉप्ड एरिया इज कॉल्ड एज एन इंडेक्स ऑफ, इनको क्या बोलते हैं अपन, क्रॉपिंग इंटेंसिटी बोलते हैं, मतलब कि अपन ने कितना ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया है और कितना अपना नेट क्रॉप्ड एरिया है, इसके रेशियो को क्रॉपिंग इंटेंसिटी हम बोलते हैं। देन हम बात करें तो ब्लाइंड टिलेज क्या होता है, ब्लाइंड टिलेज को हिंदी में बोलते हैं अंधी गुड़ाई। तो ब्लाइंड टिलेज क्या होता है कि जब हम शुगर कैन में जनरली करते हैं, तो शुगर कैन में हम क्या कर देते हैं, सेट्स को लगा देते हैं, ठीक है, ट्रांसप्लांटिंग कर देते हैं उनकी। देन इसके बाद क्या होता है, सॉइल के ऊपर जो क्रस्ट जम जाती है, पपड़ी जम जाती है, उसको फोड़ देते हैं, उसी को बोलते हैं हम क्या, ब्लाइंड टिलेज। तो ये ब्लाइंड टिलेज कब की जाती है, होइंग बिफोर जर्मिनेशन, मतलब कि जर्मिनेट होने से पहले ही हम क्या कर देते हैं, होइंग कर देते हैं। देन अपन बात करें तो जीरो टिलेज सिस्टम वाज ए यूज्ड सक्सेसफुली इन द 1915 इन द पास्चर रिनोवेशन इन, तो जीरो टिलेज का सबसे पहले पास्चर रिनोवेशन में 1950 के टाइम पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में यूज हुआ था, मतलब USA में इसका प्रयोग हुआ था। देन हम बात करें तो नाइट्रोजन फिक्सेशन इन ए सॉइल वाई राइजोबियम इज इंक्रीज्ड बाय, देखो जो सॉइल में नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं, तो उसको हम बढ़ा सकते हैं फॉस्फोरस को आप अप्लाई कर दो सॉइल में, तो फॉस्फोरस को अप्लाई करेंगे तो क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन बढ़ जाता है। देन हम बात करें तो ट्रू डेंसिटी ऑफ मोस्ट मिनरल सॉइल इज यूजली, तो जो ट्रू डेंसिटी होती है, ठीक है, वो कितनी होती है, वो होती है 2.65। देन हम बात करें तो फ्लो ऑफ वाटर इन ए सैचुरेटेड सॉइल इज डिस्क्राइब्ड बाय, तो देखो जब सैचुरेटेड सॉइल में हम वाटर को फ्लो के बारे में बात करते हैं, तो वो दो लॉस के द्वारा डिस्क्राइब होता है, एक तो होता है ड्रैगीज लॉ और दूसरा है पॉइजेलियस लॉ। तो मैं एग्रोनॉमिक चैप्टर्स पढ़ाऊंगा, इन दोनों लॉ को आपको इजीली अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। दैट प्रोसेस ऑफ लूजनिंग फॉर सेपरेशन फाइबर फ्रॉम प्लांट इज नाउन एज, तो जब हम रेटिंग की प्रोसेस करते हैं किसमें, जूट में, तो उसमें क्या करते हैं कि जो बहुत ज़्यादा कठोर तरीके से वो चिपका रहता है, ठीक है, फाइबर किससे, प्लांट के स्टेम से, तो उसको हम लूज करते हैं, ठीक है, ये भी एक माइक्रोबियल प्रोसेस है, जिसे हम बोलते हैं रेटिंग की प्रोसेस। एन एनुअल वीट कॉमनली फाउंड इन द राइस फील्ड, तो राइस की फील्ड में पाने जाने वाला सबसे कॉमन वीट कौन सा है, तो वो है इकाइनोक्लोवा क्रूसिगली। देन इसके बाद हम बात करें द नॉर्मल फॉर्म ऑफ वाटर इज, द नॉर्मल फॉर्म ऑफ प्लांट इज मेंटेन्ड बाय, तो जो प्लांट का जो नॉर्मल आकार किसके द्वारा बना रहता है, वो है वाटर। देन इसके बाद बात करें द टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर डिक्रीज्ड ऑन मेल्टिंग ऑफ आइस, जैसे ही आइस पिघलता है, बर्फ़ पिघलता है, तो उसके द्वारा उसका क्या होता है, पानी में जब वो कन्वर्ट होता है तो उसका क्या होता है, जो वॉल्यूम है, आयतन, आयतन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। द यूज़ ऑफ टेंसियोमीटर इज कन्फाइंड टू मेट्रिक पोटेंशियल ऑफ, टेंसियोमीटर का हम 0.8 बार तक, -0.8 बार तक जनरली यूज़ करते हैं। ईच यूनिट चेंज इन द pH रिप्रेजेंट चेंज इन द एक्टिविटी ऑफ H+ और OH- आयन, तो क्या होता है कि जो pH होता है वो क्या होता है, नेगेटिव लॉगरिदम होता है H+ हाइड्रोजन प्लस आयन कंसनट्रेशन का। तो मतलब कि एक pH चेंज होने में कितना, 10 गुना कंसनट्रेशन चेंज हो जाता है, मतलब कि 10-fold कंसनट्रेशन उसका चेंज होगा। देन हम बात करें तो रिलेटिव वीट क्या होते हैं,
प्लांट ऑफ अदर क्रॉप इन द क्रॉप फील्ड. तो अगर रिलेटिव वीड है क्या होगा, अदर क्रॉप्स के वीड होते हैं जनरली. अगर हम बात करें तो सीड रेट ऑफ ट्रांसप्लांटेड बासमती राइस का ट्रांसप्लांटेड कितना होता है, तो वो होता है 35 से लेकर 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर. देन हम बात करें तो चिप्स होना इज़ अ वेराइटी ऑफ जो चिप्स बनाने में यूज़ होती है, पोटैटो की वेराइटी है जनरली, तो उसका नाम है चिप्स होना वेराइटी. देन हम बात करें जिसमें ड्राई कंटेंट ज़्यादा होता है. देन हम बात करें तो विच कंट्री इज़ द प्लेस ऑफ ऑरिजन ऑफ सनफ्लावर, सनफ्लावर का ओरिजिन प्लेस क्या है, सदर्न यूनाइटेड स्टेट एंड मैक्सिको, ये क्या है सनफ्लावर का ओरिजिन प्लेस है. हाउ मैनी एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स आर कैटराइज इन इंडिया, तो भारत में मुख्यतः 15 एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स हैं, ठीक है. देन हम बात करें तो मैट टाइप नर्सरी कौन सी फसल से संबंधित है, तो मैट टाइप नर्सरी किससे, अपनी जो पैडी है उससे संबंधित होती है, और ये मैकेनिकल हार्वेस्टिंग में मैकेनिकल ट्रांसप्लांटिंग में सहायता करती है. देन हम बात करें तो जीरो टिल सीड ड्रिल इज़ ए यूज फॉर द सोइंग. देखो हम क्या करते हैं जब राइस वीट क्रॉपिंग सिस्टम को अपना रहे होते हैं तो क्या करते हैं कि जब पैडी का कल्टिवेशन थोड़ा लेट, हार्वेस्टिंग थोड़ी लेट होती है, तो उसके कारण हमारे लिए ज़्यादा टिलेज करने के वो चांसेस नहीं मिलते, तो हम इसके लिए जीरो टिल सीड ड्रिल का प्रयोग जनरली करते हैं वीट की सोइंग के लिए, ठीक है. इसकी सोइंग के लिए, वीट की सोइंग के लिए करते हैं, वीट इन राइस वीट क्रॉपिंग सिस्टम, ठीक है. हम बात करें तो मेज प्लांट में कैसा होता है, मेज प्लांट जनरली प्रोटेंड्रस होता है, जैसे प्रो मतलब पहले और टेंड्री मतलब जो मेल वाला, मतलब कि टेसल्स अपीयर फर्स्ट, मतलब टेसल्स इसमें क्या आते हैं, पहले आते हैं. देन हम बात करें द पेनिकल इनिशिएशन स्टेज इन राइस प्लांट कम्स, तो जो पेनिकल इनिशिएशन की स्टेज है वो राइस प्लांट में कब आती है, तो वो पहला ऑप्शन दिया इमीडिएट आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग, गलत है. देन सेकंड ऑप्शन आफ्टर मैक्सिमम टिलरिंग स्टेज, ये सही है. देन अपन बात करें आफ्टर बोटलिप स्टेज, ये गलत. एट एनी टाइम आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग, तो ये भी गलत है. देन हम बात करें तो फर्स्ट जीएम पोटैटो डेवलप्ड एट द सीपीआरआई फॉर इंक्रीजिंग प्रोटीन कंटेंट इन ट्यूबर्स कंसिस्ट ऑफ द जीन्स फ्रॉम, तो देखो जो पहला जीएम पोटैटो डेवलप किया गया था सीपीआरआई, ठीक है, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला में, प्रोटीन कंटेंट को बढ़ाने के लिए ट्यूबर्स में, तो वो जीन कौन सी क्रॉप से ट्रांसफ़र किए गए थे, तो वो अपन ने ट्रांसफ़र किए थे ग्रैन एमरेंथस से प्रोटीन कंटेंट को बढ़ाने के लिए. द करेंट पर कैपिटा फॉरेस्ट एरिया इन इंडिया इज़ ए, पर कैपिटा अगर मतलब एक व्यक्ति पे कितना फॉरेस्ट है, तो वो करीब 700 मीटर स्क्वायर है या अपन देखें तो. देन हम बात करें तो कल्टिवेशन ऑफ ड्यूरम वीट इज़ अ प्रिलिमिनरी कन्फाइंड टू, तो जो ड्यूरम वीट होती है, ठीक है, जैसे हम मार्कोनी वीट के नाम से भी जानते हैं, तो उसका जनरली कल्टीवेशन किया जाता है या तो सेंट्रल एरिया में, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र वगैरह ये एरिया हुए, और फिर सदर्न इंडिया में इसका कल्टीवेशन किया जाता है. तो इसका जनरली जो बिस्किट वगैरह हुए, दलिया वगैरह हुए, इनको बनाने में इसका यूज़ होता है. देन हम बात करें विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मेज्ड, टेस्ट वेट दिया और क्रॉप दिए, तो देखो पर्ल मिलेट का टेस्ट वेट होता है 5 से 7 ग्राम, ये सही है. देन वीट का होता है 40 ग्राम के समथिंग, तो ये गलत है, 20 से 22 दिया इसमें. देन मूंग बीन का 34 से 36, ये सही है. सनफ्लावर का 60 से लेकर 62 ग्राम, ये सही है. तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, बी वीट का कितना होता है 20 से 22 होता है, इन्होंने गलत दे रखा है. देन हम बात करें तो द मोस्ट कंसनट्रेटेड फर्टिलाइज़र यूज्ड फॉर न्यूट्रिएंट सप्लाई, तो मतलब कंसनट्रेटेड मतलब कि सबसे ज़्यादा सांद्रित कौन सा फर्टिलाइज़र है जो यूज़ किया जाता है, तो वो है एनहाइड्रस अमोनिया, जिसमें कि 82% नाइट्रोजन कंटेंट होता है. विच वन इज़ द रिकमेंडेड ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन फॉर मेज, तो मक्के के लिए कितनी रिकमेंडेड प्लांट पॉपुलेशन यूज की जाती है, तो वो है 66,000 प्लांट्स एक हेक्टेयर में अगर अपन शो कर रहे हैं, तो वो क्या होगी, रिकमेंडेड प्लांट पॉपुलेशन होगी मक्के में. देन अपन बात करें विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड, तो जो पैराक्वेट होता है, डाइक्वेट होता है और ग्लाइफोसेट होता है, ये तीन क्या है, मुख्यतः नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड होते हैं, मतलब कि अगर आपने इनको कहीं पर भी अप्लाई कर दिया तो ये उस जगह के पूरे वेजिटेशन को नष्ट करने की क्षमता रखते हैं. देन हम बात करें विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट नैरो लीव्ड वीट, तो मतलब कि कौन सा सकड़ी पत्नी वाला वीट नहीं है, तो साइनोडॉन डेक्टाइलॉन इसमें सकड़ी पत्नी होती हैं, साइप्रस रोडेंटस इसमें होती हैं, सटारिया ग्लूका इसमें भी होती हैं. देन हम बात करें तो मेलिलोटस इंडिका इसमें नहीं होती, ये क्या अगर डाइकोट है तो इसमें क्या होती हैं, सकड़ी पत्तियाँ नहीं होती. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ खरीफ सीजन वीट, तो कौन सा खरीफ सीजन का वीट नहीं है. देन हम बात करें सबसे पहले आता है चिनोपोडियम एल्बम, चिनोपोडियम एल्बम कौन से सीजन का है, ये रवि के सीजन का जनरली अपन को वीट की फील्ड में देखने को मिल जाता है. देन हम बात करें अमरेंथस विरिडी, इकाइनोक्लोवा कॉलम और कॉमेलिनिया बेंगलेंसिस, तो ये जनरली खरीफ सीजन के तीनों के तीनों वीट खरीफ सीजन के. देन हम बात करें विच गैस इज अ रिलीज्ड फ्रॉम पैडी फील्ड्स, तो जो राइस की जो फील्ड होती है उससे जनरली कौन सी गैस निकलती है, मैथेन गैस निकलती है, जो कि ग्रीन हाउस के लिए बहुत जिम्मेदार है. देन अपन बात करें तो CO2 कंटेंट कितना होता है सॉइल में, सॉइल में CO2 कंटेंट होता है 0.25%.
और जबकि एयर में कितना होता है 0.03%, मतलब कि करीब देखें तो अपन 10 गुना ज़्यादा कंसनट्रेशन होता है मृदा में, ठीक है, CO2 का। देन हम बात करें तो रेंचिडिटी इन सनफ्लावर ऑयल इज कॉज्ड बाय, तो जो सनफ्लावर के सॉइल ऑयल में जो रेंचिडिटी होती है वो जनरली ऑक्सीडेशन प्रोसेस के कारण देखने को मिलती है, जो ऑयल है उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है जिसके कारण रेंचिडिटी इसमें हो जाती है। देन हम बात करें तो जो ओपेक टू मेज कंपोजिट्स आर रिचर एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल मेज, सबसे पहले तो आप देखो जो मेज की जो नॉर्मल वेराइटीज़ होती हैं उनमें ट्रिप्टोफैन और लाइसिन की कमी देखने को मिलती है, तो हम जब ब्रीडिंग प्रोग्राम के द्वारा इनको हम क्या करेंगे ओपेक टू जो जीन है उसको ट्रांसमिट करेंगे और क्या कराएंगे मेज की जो कंपोजिट बनाएंगे उनमें क्या होगा ट्रिप्टोफैन और लाइसिन कंटेंट ज़्यादा होगा, मतलब सी ऑफिसर इसका हो जाएगा। देन हम बात करें फ्लिंट कॉर्न इज़ अ कॉमनली ग्रोन इन इंडिया, देखो भारत में जो कॉमनली ग्रोन होता है उसको बोलते हैं जिया मेज इंडुराटा, और जो अपना अमेरिका में जो ग्रोन होता है उसको बोलते हैं एडेंटाटा, जो सेगराटा होता है वो सबसे स्वीट होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप इनको 7 तरह के होते हैं टोटल, आप इनको इजीली कर सकते हो, ठीक है। द मोस्ट सूटेबल टेम्परेचर फॉर मेज ग्रोथ, तो मक्के की ग्रोथ के लिए सबसे अच्छा टेम्परेचर कितना होता है, करीब 32 डिग्री सेल्सियस इसके लिए मोस्ट सूटेबल टेम्परेचर। देन अपन बात करें तो फर्स्ट हाइब्रिड मेज गंगा वन वाज आर डेवलप्ड इन इंडिया, तो गंगा वन को कब डेवलप किया गया था, इसको किया गया था 1961 के टाइम पे, गंगा 101 दक्कन और रंजीत, ये 4 हाइब्रिड अपन ने निकाले थे। देन ठीक है, तो मोस्ट कॉमन हर्बिसाइड यूज्ड इन मेज, मेज में सामान्यतः प्रयोग होने वाला कौन सा हर्बिसाइड है, तो वो है अपना सीमाजीन। देन अपन बात करें विच सीरियल इज अ नॉन टिलरिंग इन नेचर, तो जो अपना मक्का है उसमें क्या होती है टिलरिंग नहीं होती जनरली, ठीक है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ हाइब्रिड वेराइटी ऑफ मेज, तो इनमें से हाइब्रिड वैरायटी मेज की कौन सी है, तो यह संगम वैरायटी है जो कि हाइब्रिड है मेज की। देन अपन बात करें हु इंट्रोड्यूस द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन ऑफ डबल क्रॉस हाइब्रिड इन मेज, तो जो जॉन्स और डेविस थे उन्होंने क्या किया था मेज में डबल क्रॉस हाइब्रिड बनाए थे, तो इसका जॉन्स को हो जाता है। देन हम बात करें ज्वार इज अ प्रीमरली ए नेटिव ऑफ, तो ज्वार कहाँ पर उत्पत्ति हुई इसके, ज्वार और बाजरा के दोनों की देखें तो अफ्रीका है। देन हम बात करें तो टेस्ट वेट ऑफ सोरगम, सोरगम का टेस्ट वेट कितना है, तो इसका टेस्ट वेट है 25 से लेकर 30 ग्राम। देन हम बात करें सॉइल सिकनेस इज कॉज्ड बाय दी, जब हम लिंसिड और ज्वार को जब फील्ड में सोइंग करते हैं तो उसके कारण क्या हो जाता है सॉइल सिकनेस जनरली देखने को मिलती है। रिक्वायर्ड प्लांट पॉपुलेशन ऑफ ज्वार मे बी ऑब्टेंड बाय यूजिंग सीड रेट ऑफ, तो ज्वार में अपन कितना सीड रेट जनरली अप्लाई करते हैं, तो वो है 12 से 15 किलोग्राम। देन अपन बात करें CSH फर्स्ट वाज द फर्स्ट सोरगम हाइब्रिड रिलीज इन, तो जो CSH फर्स्ट था इसको कब 1964 के टाइम पर रिलीज किया गया था। देन हम इसके बाद बात करें तो फर्टिलाइजेशन एप्लीकेशन इन मेज शुड बी कंप्लीटेड बिफोर, तो जब मक्के की बात करते हैं तो इसमें जो टेस्लिंग स्टेज है ये सबसे ज़्यादा क्रिटिकल है इरीगेशन के लिए, और इसी से पहले हमारे लिए पूरा फर्टिलाइजर एप्लीकेशन कर देना चाहिए। देन इसके बाद हम बात करें तो फैट कंटेंट इन बाजरा इज अराउंड, तो बाजरा में करीब 5% फैट कंटेंट पाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा, ठीक है। देन अपन बात करें HB1, ये क्या है फर्स्ट हाइब्रिड है बाजरा का, जो इसको 1965 के टाइम पर रिलीज किया गया था पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से, तो ये क्या है किस किस के बीच में क्रॉस है, ये टिप्ट 23A तथा बिल 3B के बीच में ये क्रॉस है, ठीक है, ये लाइन है डिफरेंट, टिप 23 मेल स्ट्राइल लाइन। सीड रेट ऑफ ट्रांसप्लांटिंग ऑफ बाजरा, अगर हम ट्रांसप्लांटिंग कर रहे हैं बाजरा की तो हमारे लिए सीड रेट कितना लगेगा, जनरली देखें तो 5 से 6 लगता है, लेकिन ट्रांसप्लांटिंग में 2 किलोग्राम आपको सीड रेट काफ़ी होता है, ठीक है। रिक्वायर्ड प्लांट पॉपुलेशन ऑफ ग्राम मे बी ऑप्टेंड बाय यूजिंग ए सीड रेट ऑफ, तो हम अगर चने की सोइंग कर रहे हैं तो हमारे लिए कितना सीड रेट चाहिए पर हेक्टेयर के हिसाब से, तो हमारे लिए करीब 80 किलोग्राम सीड रेट चाहिए, तो इसके रेंज में कौन सा आ रहा है 75 से लेकर 100 किलोग्राम वाला, ठीक है, तो मतलब बी ऑप्शन इसका सही है। द ऑप्टिमम सीड रेट ऑफ फॉर नॉर्मल सोन क्रॉप ऑफ लेंटेल इज है, तो लेंटेल के लिए अपने को नॉर्मल सोइंग करनी है तो कितना सीड रेट लगेगा 30 से लेकर 40 किलोग्राम सीड रेट लगेगा। देन हम बात करें तो आर्कल ईयरली बडगर बोनोविल एंड ईयरली दिसंबर आर द इम्प्रूव्ड वेराइटीज ऑफ, देखो आर्कल का और बोनोविल ये दो वेराइटीज आपको क्लियर याद होंगी कि ये किसकी पीकी वेराइटीज हैं, और ईयरली दिसंबर भी पीकी वेराइटीज़, ये सभी किसकी वेराइटीज़ हैं पीकी वेराइटीज़। हम बात करें अपन विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेराइटीज़ ऑफ पिजन पी इज एन एक्स्ट्रा ईयरली मैच्योरिटी वेराइटी, तो जो प्रभात वेराइटी है वो क्या है एक्स्ट्रा ईयरली मैच्योरिंग वेराइटी है किसकी पिजन पी की,
देन अपन बात करें ऑप्टिमम सीड रेट ऑफ पिजन पी, तो यह 12 से 15 किलोग्राम पर हेक्टेयर इसका सीड रेट होता है पिजन पी का ऑप्टिमम। वैन मूंग बीन आर अलाउड टू स्प्राउट विच विटामिन इज सिंथेसाइज्ड, देखो जो स्प्राउटिंग हो रही होती है सीड्स में तो उस टाइम पे कौन सी विटामिन सी का कंटेंट ज़्यादा जनरली होता ही है। तो अपन बात करें तो वैन मूंग बीन्स आर अलाउड टू स्प्राउट विच विटामिन इज सिंथेसाइज्ड, विटामिन सी बनती है उस टाइम पे। विच वेराइटी ऑफ मूंग बीन इज सूटेबल फॉर द कल्टिवेशन बोथ ड्यूरिंग रेनी एंड समर सीजन, तो मूंग की ऐसी कौन सी वेराइटीज है जिसको अपन रेनी सीजन में भी कल्टिवेशन कर सकते हैं जिसका समर सीजन में भी हम कल्टीवेशन कर सकते हैं, तो वो है टाइप 44 जिसे हम पूसा बैसाखी के नाम से भी जानते हैं। अब हम बात करें तो ब्लैक ग्राम का उत्पत्ति स्थल क्या है, तो ब्लैक ग्राम की उत्पत्ति स्थल है भारत या इंडिया। देन हम बात करें विच वन ऑफ द फॉलोइंग पल्स क्रॉप इज यूज एज अ पल्स एज अ फॉडर एज अ ग्रीन मैन्योर क्रॉप, तो हम काउपी को क्या करते हैं पल्स की तरह भी यूज़ करते हैं, उसको फॉडर की तरह भी यूज़ करते हैं और उसको हम ग्रीन मैन्योर की तरह भी यूज़ करते हैं। देन हम बात करें तो पूसा फाल्गुनी पूसा बरसाती पूसा ऋतुराज एंड पूसा दो फसली ये किस किस की इम्प्रूव्ड वेराइटीज है, तो मूंग उड़द पी या काउपी, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या काउपी। तो पूसा फाल्गुनी पूसा बरसाती पूसा ऋतुराज और पूसा दो फसली ये किसकी इम्प्रूव्ड वेराइटीज़ हैं, ये काउपी की इम्प्रूव्ड वेराइटीज़ हैं। देन हम बात करें तो सोयाबीन इज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया फ्रॉम यूएसए, यूएसए से भारत में सोयाबीन कब आया था, तो ये 1960 के टाइम पे भारत में आया था। ऑप्टिमम सीड रेट ऑफ सोयाबीन है, सोयाबीन का ऑप्टिमम सीड रेट वही है 70-80 किलोग्राम। ठीक है, देन बात अपन करें तो द टिलरिंग और स्प्रेडिंग टाइप ऑफ ग्राउंडनट इंक्लूड, तो जो जिसमें ट्रेलिंग और स्प्रेडिंग होती है तो वो कौन सी है एरेकिस हाइपोजिया प्रोकम्बेंस। ठीक है, तो बी आंसर इसका सही है। देन नंबर बात करें क्रोमोसोम नंबर ऑफ सीसीमम इंडिकम, 26 क्रोमोसोम होते हैं सीसीमम इंडिकम में बोलते हैं जिसको अपन। देन अपन बात करें तो कैस्टर इज ओरिजिनेटेड, कैस्टर का ओरिजिन प्लेस क्या है, तो कैस्टर का ओरिजिन प्लेस है अपना ट्रॉपिकल अफ्रीका। देन अपन बात करें तो ऑप्टिमम सीड रेट फॉर द गेटिंग डिजायर्ड पॉपुलेशन ऑफ कैस्टर, तो कैस्टर की अपन को डिजायर्ड पॉपुलेशन चाहिए तो कितना सीड रेट आपको अप्लाई करना पड़ेगा, तो 18-20 किलोग्राम आपको सीड रेट देंगे जब आपको कैस्टर की फसल अच्छे से मिलेगी। देन अपन बात करें तो परसेंट प्रोटीन इन अ लिंसेड, लिंसेड में कितने परसेंट प्रोटीन होती है, तो लिंसेड में 36% प्रोटीन होती है। लिंसेड कौन सी फैमिली से बिलोंग करती है, तो पेडिलेसी फैमिली से बिलोंग करती है, तथा हम लिंसेड का जो सीड होता है उसको हम सीड बॉल बोलते हैं। ठीक है, देन हम बात करें तो कैरेथेमस टिंक्टोरियस इज अ बॉटेनिकल नेम ऑफ, जो सफ्लावर होता है उसका नाम है कैरेथेमस टिंक्टोरियस, ये तो आपको पता ही होगा। द ऑप्टिमम सीड रेट फॉर सनफ्लावर इज, सनफ्लावर का ऑप्टिमम सीड रेट कितना होता है, तो इसका ऑप्टिमम सीड रेट होता है 8-10 किलोग्राम सनफ्लावर के लिए सफिशियंट है। ठीक है, द ऑयल कंटेंट इन द कॉटन सीड रेंजेस फ्रॉम, तो जो कॉटन का जो सीड होता है उसमें ऑयल कंटेंट कितने परसेंट पाया जाता है, 8-10% इसमें क्या पाया जाता है, इसमें पाया जाता है कॉटन का जो सीड होता है उसमें 15-25%, मतलब बी ऑप्शन इसका राइट है। ऑयल कंटेंट इन द कॉटन सीड रेंजेस फ्रॉम 15-25%। सी आइलैंड कॉटन को अपन क्या बोलते हैं, जो अपना अमेरिकन कॉटन का नाम होता है गॉसिपियम हिर्सुटम जिसका सबसे ज़्यादा कल्टीवेशन होता है। ठीक है, देन अपन बात करें तो गॉसिपियम बारबाडेंस इसको बोलते हैं सी आइलैंड कॉटन। देन हम बात करें तो वरलक्ष्मी क्या है, एक इंटर स्पेसिफिक वैरायटी जिसको अपन ने गॉसिपियम हिर्सुटम का गॉसिपियम बारबाडेंस के साथ क्रॉस करवा के धारवाड़ में बनाया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वरलक्ष्मी इज इंटर स्पेसिफिक वैरायटी ऑफ कॉटन इवॉल्व इट धारवाड़। देन हम बात करें तो ओरिजन ऑफ कारकोरस कैप्सुलरिस, मतलब जो वाइट जूट है उसका ओरिजिन प्लेस क्या है, तो इसका ओरिजिन प्लेस है इंडिया। देन हम बात करें तो वेट ऑफ वन कॉटन बॉल, तो एक कॉटन बॉल कितने किलोग्राम के इक्वल होती है, तो 170 किलोग्राम के इक्वल एक अपनी कॉटन बॉल होती है। द ऑप्टिमम पीरियड ऑफ सोइंग फॉर द कैप्सुलरिस टाइप वाइट जूट इसे, तो वाइट जूट जो कैप्सुलरिस टाइप का अपना है उसको अपन कब सोइंग करते हैं, तो इसकी सोइंग करते हैं अपन मार्च से लेकर अप्रैल के मई में। ठीक है, देन अपन बात करें तो आइडियल स्टेज ऑफ हार्वेस्ट ऑफ जूट फॉर फाइबर पर्पस, अगर अपने लिए जूट को हार्वेस्टिंग करना फाइबर पर्पस के लिए तो हम स्मॉल पॉड अवस्था में ही उसकी हार्वेस्टिंग कर लेते हैं जिस टाइम पे अपने लिए जूट की अच्छी क्वालिटी प्राप्त होती है। देन अपन बात करें तो रेटिंग टेम्परेचर फॉर जूट, देखो जूट में जब हम रेटिंग कर रहे हैं तो उस टाइम पे हम कुछ 34 डिग्री सेल्सियस पर रेटिंग करते हैं, जबकि हम अगर
सनहैम्पटन में अगर रेटिंग करना है तो 21 से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस पे हम रेटिंग करते हैं। देन हम बात करें तो बरसीम वाज इंट्रोड्यूस्ड इनटू इंडिया फ्रॉम, तो बरसीम का भारत में कौन से देश से आई थी 1904 के टाइम पे, तो जो इजिप्ट इसका ओरिजिन प्लेस है वहीं से आई थी, ठीक है, तो इजिप्ट से आई थी। तो जो बरसीम के जो सीड होते हैं उनको हम कौन से राइजोबियम द्वारा ट्रीट करते हैं, तो हम उनको राइजोबियम ट्राइफोली द्वारा, ठीक है, ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रम, तो उसके द्वारा राइजोबियम ट्राइफोली द्वारा ट्रीट करते हैं, ठीक है, और जैपोनिकम से सोयाबीन को करते हैं। देन हम बात करें तो द ऑप्टिमम सीड रेट फॉर बरसीम शुड बी, तो बरसीम का ऑप्टिमम सीड रेट कितना होता है, इसका होता है 25 से लेकर 30 किलोग्राम। देन हम बात करें तो लूसन मेडिकागो सटाइवस एंड नेटिव ऑफ, तो लूसन का जो प्लेस है ओरिजिन का वो क्या है, ये पर्सिया से ओरिजिन है मेडिकागो सटाइवा। देन हम बात करें तो रैम्बलर NDRI सिलेक्शन नंबर वन एंड मोपा आर द वेराइटीज ऑफ, NDRI सिलेक्शन नंबर वन और ये मोपा किसकी वेराइटीज़ हैं, ये हैं अपनी लूसर्न की वेराइटीज़। देन अपन बात करें पूसा सदाबहार, पूसा मौसमी, पूसा नवबहार आर द इम्प्रूव्ड वेराइटीज़ ऑफ, तो ये हैं गौर, गुआर की वेराइटीज़ हैं ये इम्प्रूव। देन अपन बात करें तो नेपियर ग्रास पेनिसेटम परपूरियम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन 1912 फ्रॉम, तो ये कहाँ से, साउथ अफ्रीका से, ये इसका भारत में ये आई थी 1912 के टाइम पे नेपियर ग्रास। देन अपन बात करें अबाउट सत्ताईस हज़ार 800 रूट स्लिप्स और स्टेम कटिंग्स आर रिक्वायर्ड फॉर द प्लांटिंग 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड इन नेपियर ग्रास। देन हम बात करें शुगर बीट के बारे में, ओरिजिनेटेड इन मेडिटेरियन रीजन बिलोंग टू, ठीक है, तो कौन सी फैमिली से ये बिलोंग करता है, बीटा वल्गैरिस, तो ये करता है चीनोपोडियेसी फैमिली से संबंधित है। देन अपन बात करें तो शुगर बीट कौन सी मंथ में मैच्योर होता है इसकी क्रॉप, तो ये जनरली मार्च से लेकर अप्रैल मंथ में इसकी क्रॉप मैच्योर होती है। फॉर आइडियल प्लांट पॉपुलेशन द सीड रेट ऑफ शुगर बीट शुड बी, सीड रेट कितना हुआ शुगर बीट का, 8 से लेकर 10 किलोग्राम सीड रेट रखा जाता है शुगर बीट में। देन हम बात करें तो आइडियल टेम्परेचर फॉर ट्यूबराइजेशन इन पोटैटो, तो पोटैटो में जनरली देखा जो ठंडों का टेम्परेचर इसके लिए फेवरेबल होता है, जनरली 18 डिग्री सेल्सियस बहुत ज़्यादा सही माना जाता है ट्यूबर के लिए, ट्यूबराइजेशन होने के लिए, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 400। द मेन क्रॉप ऑफ पोटैटोज आर प्लांटेड फ्रॉम, तो जो पोटैटो की जो मेन क्रॉप है उसको हम कब प्लांटिंग करते हैं, तो उसको हम 15 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर के बीच में उसकी क्या कर देते हैं, प्लांटिंग कर देते हैं, ठीक है। देन हम बात करें ऑप्टिमम सीड रेट ऑफ टबैको, तंबाकू का ऑप्टिमम सीड रेट अपन कितना रखते हैं, तो इसका हम ऑप्टिमम सीड रेट लगते हैं 2 से 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। देन हम बात करें तो टॉपिंग कंसिस्ट इन द रिमूवल ऑफ द टर्मिनल बड विथ और विथआउट सम ऑफ द स्मॉल लीव्स प्रैक्टिस्ड इन, तो टॉपिंग की जो प्रोसेस है वो जनरली कौन सी क्रॉप में की जाती है, टोबैको में की जाती है, क्योंकि इसमें जो अपने लिए एनर्जी और न्यूट्रिएंट को गया है हेड पोर्शन से किस तरफ जो लीफ पोर्शन होता है उसकी तरफ अपने लिए डाइवर्ट करना रहता है। देन अपन बात करें इन टोबैको द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ प्रैक्टिसेस, तो ये क्या है, सबसे पहले अपन क्या करते हैं टॉपिंग, देन अपन बात करते हैं डिसकरिंग, और इसके बाद अपन क्या करते हैं प्राइमिंग की प्रोसेस करते हैं, तंबाकू दारू पीप इस तरह से कुछ सीक्वेंस भी बना सकते हो आप। देन हम बात करें तो कैंट कोकचमन फ्लेमिंग गोल्ड आर द वेराइटीज ऑफ, तो कैंट किसकी वेराइटी है, 404 का ये, ठीक है, तो ओट की वेराइटी है कैंट, और फ्लेमिंग गोल्ड भी इसी की वेराइटी है, कोचमैन भी इसी की वेराइटी है, तो ये चार तीनों वेराइटीज़ किसकी हैं, ओट की वेराइटीज़ हैं। इंडिया हैज़ अबाउट परसेंट ऑफ इट्स टोटल कल्टिवेटेड एरिया अंडर फॉर्डर क्रॉप्स, तो फॉर्डर क्रॉप्स के अंतर्गत भारत का कितना एरिया करीब आता है, कितने प्रतिशत एरिया करीब आता है, तो यह भारत का करीब 4.5% एरिया है वो क्या फॉर्डर क्रॉप्स के अंतर्गत आता है। देन अपन बात करें इन इंडिया फर्स्ट ड्राई फार्मिंग रिसर्च स्टेशन मंजरी वाज स्टार्टेड इन, तो जो भारत की जो फर्स्ट ड्राई फार्मिंग स्टेशन थी मंजरी में कब इस्टेब्लिश की गई थी, तो वो की गई थी 1923 के टाइम पे। देन हम बात करें अंडर स्ट्रेस कंडीशंस विच अमीनो एसिड एक्युमुलेटेड इन द क्रॉप प्लांट्स, तो जो स्ट्रेस कंडीशंस है उसमें कौन सा अमीनो एसिड प्लांट में बनता है, ठीक है, अगर अमीनो एसिड की पूछें तो उसमें प्रोलिन, और अगर देखें वो एंजाइम अगर आपसे हार्मोन की बात पूछ लें तो वो आएगा एब्सेसिक एसिड, ये भी है। देन हम बात करते हैं
जादिया एंड ज्वाला वेराइटीज ऑफ मोदवीन वे आर डेवलप्ड इथ, जो जादिया और जो ज्वाला वेराइटीज़ हैं उनको कहाँ पे विकसित किया गया था, उनको जॉबनार में विकसित किया गया था जो कि मोदवीन की वेराइटीज़ हैं, ठीक है। एंड इसके बाद हम बात करें तो हेडक्वार्टर ऑफ रेनफेड अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज लोकेटेड, तो ये रेनफेड अथॉरिटी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। एंड हम बात करें तो इन नॉर्थ इंडिया अंडर राइस वीट क्रॉपिंग सिस्टम विच माइक्रो न्यूट्रिएंट इज मोस्ट डिफिशियंट, ठीक है। तो कौन सा, इसमें पूछा माइक्रो न्यूट्रिएंट कौन सा डिफिशियंट, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन सा है, वो है जिंक, सबसे ज़्यादा डिफिशियंट अगर भारत में देखें तो जिंक की कमी देखी जाती है। देन हम बात करें UG99 इज अ स्टेम रस्ट कॉजिंग फंगाई इन अ वीट वाज रिपोर्टेड फर्स्ट टाइम, तो जो UG99 रेस था इसको उनका फुल फॉर्म है युगांडा 99, मतलब ये युगांडा में खोजा गया था 1999 के टाइम पे, इज अ स्टेम रस्ट कॉजिंग फंगाई इन अ वीट वाज रिपोर्टेड फर्स्ट टाइम फ्रॉम, तो ये उगांडा में खोजा गया था, ऑप्शन ई आएगा इसका सही। इन वर्ल्ड विच साइंटिस्ट हैड डेवलप्ड फर्स्ट कॉटन हाइब्रिड H4 इट द सूरत इंडिया, तो जो अपने CT पटेल थे इन्होंने गुजरात की सूरत स्टेशन में पहली बार, ठीक है, गुजरात 67 के साथ जब इन्हें अमेरिकन नेक्टर लेस का जब क्रॉस करवाया था तो अपना H4 हाइब्रिड बना था, तो ये हो जाएगा इसका ए आंसर सही है। देन अपन बात करें विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड पार्टिकल्स विल फ्रॉम सॉइल सस्पेंशन एग्जिबिटिंग हाई कोलाइडियल प्रॉपर्टीज, तो इसका आंसर क्या होगा, बर्मी कोलाइट, क्या होगा, हाई कोलाइडियल प्रॉपर्टीज कौन एग्जिबिटेड करता है, बर्मी कोलाइट। देन अपन बात करें विच नाइट्रोजन ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग ए डिक्रीज इन द नाइट्रेट एंड अंडर एनारोविक कंडीशंस, ठीक है, तो इसका आंसर होगा डीनाइट्रिफिकेशन, एनारोविक कंडीशंस में सबसे ज़्यादा जो लॉसेज होगा नाइट्रेट कंटेंशन में तो किसके कारण होगा, डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस के कारण होगा। देन हम इसके बाद देखते हैं 415वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो न्यूट्रिएंट इज स्पेशली टाइटली हेल्ड बाय ऑर्गेनिक मैटर दैट इज अवेलेबिलिटी और टू क्रॉप प्लांट कैन बी वेरी लो इन द ऑर्गेनिक सॉइल्स, तो कौन सा ऐसा होता है जिसको ऑर्गेनिक सॉइल्स में क्या होता है ऑर्गेनिक मैटर के साथ बहुत ज़्यादा तरीके से टाइटली बॉन्ड हो जाता है वो, जिसके कारण वो क्रॉप के लिए ईजिली अवेलेबल नहीं होता, तो वो है अपना कॉपर आयन। देन इसके बाद 416वां क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ द न्यूट्रिएंट इज ऑब्जर्व्ड बाय प्लांट ओनली इन द एनायनिक फॉर्म्स, तो कौन सा ऐसा न्यूट्रिएंट है जिसको प्लांट जनरली एनायनिक फॉर्म में ही ऑब्जर्व करता है, देखो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को प्लांट कटाया तथा एनायन दोनों के रूप में ऑब्जर्व करता है। देन अपन बात करें मैगनीज और फॉस्फोरस, तो देन अपन ये तो ठीक है कैंसिल हो गया, देन अपन बात करें फॉस्फोरस को एनायनिक फॉर्म में होता है, सल्फर एनायनिक फॉर्म होता है और बोरॉन ये एनायनिक फॉर्म होता है, मतलब कि इसका बी आंसर सही होगा। देन हम बात करें अमंग द फॉलोइंग फोर कॉमन कॉन्स्टिट्यूंट्स ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर्स द स्लोएस्ट रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इज सीन विथ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो सबसे ज़्यादा स्लोइंग प्रोसेस किसमें होती है, तो अपन देखें तो जो लिग्निन होता क्या होता है वो डिकम्पोजिशन प्रोसेस के प्रति बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस शो करता है, इसके कारण उसमें क्या होगा जो लिग्निन का डिकम्पोजिशन होगा वो बहुत स्लो रेट से होता है। देखो सबसे पहले शुगर का हो जाएगा, देन अपना हेमीसेल्यूलोज सेल्यूलोज और सबसे बाद में लिग्निन का होगा, तो ये सिक्वेंस भी याद रख लेना अगर हो जाए तो। वैन अमोनियम रिएक्ट विद वाटर वाट इज़ द रिजल्ट, देखो जब अमोनिया वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो रिजल्ट क्या आएगा, तो रिजल्ट आएगा इंक्रीज्ड अमोनियम कंटेंट एंड इंक्रीज्ड पीएच, पीएच बढ़ेगा क्योंकि अमोनिया का कंटेंट बढ़ेगा, ठीक है। देन अपन बात करें फॉर एप्लीकेशन ऑफ फास्फोरस एट द रेट ऑफ 50 किलोग्राम P2O5 पर हेक्टर फॉर कॉटन क्रॉप्स द क्वांटिटी इन किलोग्राम ऑफ सिंगल सुपर फास्फेट रिक्वायर्ड फॉर 1/1/2 एकर इज, तो द रूट्स ऑफ बिच क्रॉप प्लांट एलियोपैथिक केमिकल्स इन टू द सॉइल दैट इनिबिट द जर्मिनेशन ऑफ सक्सेडिंग क्रॉप, तो सनफ्लावर है। देन अब इसके बाद करें कंसिडर द फॉलोइंग एलिमेंट कैल्शियम जिंक फॉस्फोरस एंड मैग्नीशियम द एसिडिक सॉइल्स आर डिफिशियंट इन विच ऑफ द अबव न्यूट्रिएंट एलिमेंट, तो जो अपनी एसिडिक सॉइल्स होंगी उसमें किस किस की कमी जनरली अपने को देखने को मिलेगी, तो जो अपनी जिंक है फॉस्फोरस और मैग्नीशियम है इनमें इनकी जनरली कमी देखने को मिलेगी, कैल्शियम उसमें पाया जाएगा, ठीक है। देन अपन बात करें फॉर विच न्यूट्रिएंट एलिमेंट प्लांट डिपेंड स्ट्रांगली ऑन शेलेशन टू इम्प्रूव एबिलिटी एंड ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द सॉइल टू प्लांट रूट सरफेस, तो वो है अपना कौन सा आयरन जो चिलेट क्रॉप में बनाता है, ठीक है। देन हम बात करें
तो ये अपने पढ़ ही लिया था। टू विच फैमिली डज द न्यूली डेवलप्ड प्लांट वेराइटीज कैनोला बिलोंग्स? टू क्रूसीफेरी आती है इसमें। और इसके बाद हम बात करते हैं 227वां जो क्वेश्चन है उसके बारे में। मिक्सड क्रॉपिंग इज द ग्रोइंग ऑफ, देखो मिक्सड ग्रोइंग क्रॉपिंग में क्या करते हैं हम, जब दो और दो से ज़्यादा क्रॉप के जो सीड होते हैं उनको साइमल्टेनियसली इंटर मिंगल्ड विथाउट एनी रो पैटर्न, तो उसमें क्या करते हैं हम सीड्स को मिला लेंगे और उसको क्या कर देंगे फील्ड में छितेड़ देंगे, ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग कर देंगे, जैसे कि क्या उनके बीच में कोई रो पैटर्न पर्टिकुलर नहीं रहता, ठीक है। तो ये मिक्सड क्रॉपिंग हुई ड्यू टू वाइड सी एन रेशियो एप्लीकेशन ऑफ बल्की ऑर्गेनिक मैन्योर लाइक द पैडी स्ट्रो विल लीड टू, हम क्या पैडी स्ट्रो वगैरह को इमोबिलाइजेशन ऑफ सॉइल नाइट्रोजन, अगर हम वाइड सी एन रेशियो वाले बल्की ऑर्गेनिक मैन्योर्स को अगर हम अप्लाई करते हैं तो क्या होता है उनका डिकम्पोजिशन कम होगा, मतलब इमोबिलाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन सॉइल नाइट्रोजन हो जाएगा, ठीक है। देन अपन बात करें द ब्लैक कलर ऑफ वर्टिसोल इज अ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, तो जो काला कलर जो मेनली सॉइल का होता है वो किसकी प्रेजेंट से होता है, तो वो होता है मैग्नीज टाइटेनियम एंड ऑर्गेनिक मैटर कॉम्प्लेक्सेस, तो इसमें टाइटेनियम ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर हुआ और एमएन, ये तीनों की मुख्य भूमिका होती है। देन अपन बात करें विच वन ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट प्रमोट रूट ग्रोथ कीप्स द सॉइल रिएक्शन न्यूट्रल एंड इम्प्रूव द सॉइल स्ट्रक्चर, तो कौन सा ऐसा न्यूट्रिएंट है जो सॉइल के स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करता है, तो वो है अपना कौन सा कैल्शियम है, ठीक है, और रूट ग्रोथ को प्रमोट करता है। देन हम बात करें तो फ्रेश ऑर्गेनिक रेजिड्यूज इन एडिशन एज एडिशन टू ए स्टैंडिंग क्रॉप लीड टू, तो जो कौन सा फ्रेश ऑर्गेनिक रेजिड्यूज है क्या करेगा वो किसके एडिशन को स्टैंडिंग क्रॉप्स में लीड करेगा, तो उसका आंसर होगा डीनाइट्रिफिकेशन लॉसेस ऑफ द सॉइल नाइट्रोजन। देन हम बात करते हैं एवरेज रेनफॉल ऑफ द कंट्री, तो भारत में एवरेज रेनफॉल कितनी होती है, तो भारत में 1190 mm भारत में एवरेज रेनफॉल होती है। देन हम बात करें विच ऑफ दीज हर्बिसाइड इज यूज्ड एज अ कंट्रोल वेट इन जीरो टिलेज, तो जीरो टिलेज में हम जनरली पैराक्वेट हर्बिसाइड का यूज़ करते हैं। देन हम बात करें तो रिपीटेटिव ग्रोइंग ऑफ द सेम सोलो क्रॉप ऑन द सेम फील्ड इज नाउन एज, देखो अगर एक पर्टिकुलर फील्ड ले लिया आपने और उसी पर फील्ड पर आप बार बार एक ही क्रॉप का अगर सोइंग कर रहे हो तो उसको हम बोलेंगे मोनोक्रॉपिंग। देन अपन बात करें द बायूरेट परसेंट लिमिट ऑफ यूरिया फॉर फोलियर एप्लीकेशन, तो फोलियर एप्लीकेशन में बायूरेट का परसेंटेज किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 0.25% से ज़्यादा बायूरेट का कंटेंट नहीं होना चाहिए, नहीं तो इसके कारण जो इंजरीज क्रिएट करती हैं लीव्स पे। देन हम बात करें तो व्हाट इज़ द ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन फॉर बीटी कॉटन, तो बीटी कॉटन की ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन कितनी है, 10,000 ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन। एंड देन अपन बात करें तो ड्रॉपसी डिसीज इन ह्यूमन, कौन से वीट के कारण ह्यूमन में ड्रॉपसी डिसीज देखने को मिलता है, तो वो है आर्जुमन मैक्सिकाना। देन हम बात करें फिंगर लीव डिसीज इन कॉटन इज अ कॉज ड्यू टू द रेजिडुअल इफेक्ट ऑफ विच ऑफ द केमिकल्स, तो जो अपना कॉटन होता है उसमें फिंगर लीव डिसीज जनरली किसके द्वारा देखने को मिलता है, तो जो अपना 2,4-D का अप्लाई करते हैं अपन कॉटन में तो उसके कारण कॉटन में क्या होता है फिंगर लीव डिसीज देखने को मिलता है। देन अगर हम बात करें तो लॉन्ग टर्म परसिस्टेंस हर्बिसाइड है, तो लॉन्ग टर्म परसिस्टेंट हर्बिसाइड कौन सा है, तो उसका अपना है जो 2,4-D होता है वो बहुत लॉन्ग टाइम परसिस्टेंट शो करता है। देन अपन बात करें पॉप पॉड इन द ग्राउंड नट इज अ मेनली ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विच एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट, तो जो कैल्शियम होता है उसकी कमी के कारण क्या होता है पॉड पॉप पॉड जनरली जो ग्राउंड नट में देखने को मिलता है, क्योंकि जो सेल का जो डेवलपमेंट होता है वो जनरली इसके द्वारा होता है, कैल्शियम उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उसमें। एंड अपन बात करें तो द लीफ कलर चार्ट LCC इज यूज्ड फॉर जजिंग द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एप्लीकेशन टू द स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग, तो हम जो लीफ कलर चार्ट होता है LCC जैसे हम बोलते हैं उसको जनरली हम कौन सी क्रॉप में यूज़ करते हैं, तो ये हम न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के लिए राइस की फील्ड में यूज़ करते हैं जो कि सीरी मेथड के अंतर्गत सीरी मेथड में जनरली हम उसका यूज़ करते हैं। विच वन ऑफ द अमंग द फॉलोइंग इज द प्रीडोमिनेंट स्पीसीज ऑफ कॉटन ग्रोन इन इंडिया, तो भारत में सबसे ज़्यादा कॉटन की ग्रोन होने वाली स्पीसीज कौन सी है, तो वो है गॉसिपियम हिरसूटम स्पीसीज, ठीक है। देन अपन बात करें विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेज यूज्ड एज अ शुगर कैन रिपनर, तो जो शुगर कैन रिपनर की तरह अपन किसको यूज़ करते हैं, वो है अपना एथेफोन, एथेफोन को अपन शुगर कैन रिपनर की तरह यूज़ करते हैं। एंड हम बात करें विच वन ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो न्यूट्रिएंट इज अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ द एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज, तो जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो एंजाइम है उसमें कौन सा अपना माइक्रो न्यूट्रिएंट पाया जाता है, तो उसमें अपना माइक्रो न्यूट्रिएंट पाया जाता है जिंक मेनली। एंड हम बात करें द माइक्रो न्यूट्रिएंट विच इज अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ द विटामिन बी12, तो
तो देखो विटामिन B12 का नाम है साइनोकोबालमिन, जिसमें अपना कौन सा कोबाल्ट मेनली पाया जाता है, ठीक है। तो ये होगा अपना कौन सा 451 अपन ने क्वेश्चन इकोनॉमी के डिस्कस कर लिए हैं। अब हम पूरा इसमें इतने ही थे क्वेश्चंस। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम दूसरा सब्जेक्ट लेंगे और उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, और इसी के साथ सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आपको ईजिली जो वीडियोज़ आने वाली हैं वो आपको ईजिली प्रोवाइड हो जाएँ, ठीक है। थैंक यू सो मच।